4 अक्टूबर 1957 इंसानों ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। तब से लेकर आज तक इंसानों ने चांद पर अपने कई अंतरिक्ष यान भेजे, खुद चांद पर अपना कदम रखा और मंगल ग्रह पर अपने कई अंतरिक्ष यान भेजे। यहाँ तक कि सौर मंडल के आखिरी छोर और सौर मंडल के बाहर भी अपने अंतरिक्ष यान भेजे। इस दौरान इंसानों को कुछ ऐसे क्षण मिले जो बेहद ही ऐतिहासिक और न भूल पाने वाले थे, जिसमें सबसे पहला है स्पुतनिक 1। ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ये एक 23 इंच गोलाकार आकार का उपग्रह था जिसका वजन 84 केजी था। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। ये सैटेलाइट वायुमंडल के घनत्व की गणना करने में और रेडियो संकेतों के वितरण के कई आंकड़े भी जमा किए। स्पुतनिक 1 को कजाकिस्तान के बैकानोर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट ने 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा की थी और इसको पृथ्वी की एक परिक्रमा करने के लिए 96.2 मिनट का समय लगा था और ये अपनी कक्षा में 3 महीने तक रहा था। ये अंतरिक्ष यान इंसान की कामयाबी का पहला क्षण था। स्पुतनिक 1 की सफल लॉन्चिंग के बाद अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई थी। नंबर 2, यूरी गागरिन फर्स्ट मैन ऑन स्पेस। 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले इंसान बने। वोस्टोको 1 अंतरिक्ष यान मेजर यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में ले गया, जिसको सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा था। यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर अंतरिक्ष में मानव उड़ान के युग की शुरुआत की थी। अंतरिक्ष में उन्होंने 108 मिनट की उड़ान भरी। यूरी गागरिन को इस अभियान के लिए उनके कम हाइट के लिए चुना गया था। कुल 5 फीट 2 इंच के यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल में आसानी से फिट हो सकते थे। अंतरिक्ष की इस पहली उड़ान के दौरान उनका अपने यान पर कोई नियंत्रण नहीं था। लौटते वक्त उनका यान लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। यूरी गागरिन के कैप्सूल को दूसरे मॉड्यूल से जोड़ने वाले तार लौटते वक्त खुद से अलग नहीं हुए और पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही उनका कैप्सूल आग की लपटों में घिर गया। पूरे 10 मिनट तक आग में घिरे रहने के बाद किसी तरह उनका कैप्सूल अलग हुआ। ये मिशन अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। नंबर 3, अपोलो 8 स्पेस क्राफ्ट। ये नासा का दूसरा मानवीय अभियान और अब तक का पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। 21 दिसंबर 1968 में लॉन्च किए गए इस यान को चंद्रमा तक पहुंचने में कुल 3 दिनों का समय लग गया था। इस अभियान में 3 लोग मौजूद थे जिन्हें चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले मानव होने का श्रेय हासिल हुआ। लॉन्च के करीब 21 घंटों बाद अंतरिक्ष यात्री दल ने टीवी के जरिए सीधा प्रसारण किया था। अपोलो 8 में मौजूद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को पूरे ग्रह के रूप में देखने वाले पहले मानव बने थे और चंद्रमा की कक्षा से ली गई द अर्थ राइज तस्वीर मानव जाति के इतिहास की एक ऐतिहासिक तस्वीरों में से एक बन गई। नंबर 4, नील आर्मस्ट्रांग। नासा का अपोलो 11 पहला मानव अभियान था जो चंद्रमा पर उतरा था। 16 जुलाई 1969 में लॉन्च किए गए इस यान में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन मौजूद थे। 20 जुलाई को आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले ह्यूमन बने। खराब मौसम के बावजूद सारे विश्व में चंद्रमा की सतह से सीधा प्रसारण शुरू किया गया, जिसे करीब 60 करोड़ लोगों ने देखा। मिशन पूरी तरह सफल रहा और 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर लौट आया। इसे अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का सबसे ऐतिहासिक क्षण माना जाता है। नंबर 5, वाइकिंग 1। नासा ने मंगल ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए 2 यान बनाए थे। इनका मकसद था मंगल ग्रह की तस्वीरें लेना, वातावरण के बारे में जानकारी जुटाना और जीवन की मौजूदगी का पता लगाना। वाइकिंग 1 को सबसे पहले 21 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था और ये यान सफलतापूर्वक 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर उतर गया था।
ये इंसानों द्वारा किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नई कामयाबी। इस यान ने मंगल ग्रह पर 2307 दिनों से भी अधिक लंबे समय तक अध्ययन किया। इसके बाद दूसरे यान वाइकिंग 2 को भी इसी तरह मंगल ग्रह के लिए 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया और ये भी सफलतापूर्वक 3 सितंबर 1976 को मंगल की धरती पर उतर गया। दोनों वाइकिंग मिशन ने मंगल की सतह की 4500 तस्वीरें ली। वाइकिंग अंतरिक्ष यान की किसी दूसरे ग्रह पर उतरने की पहली कामयाबी में से एक थी। नंबर 6, वॉयजर 1। ये इंटर स्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। इस मिशन को सौर मंडल का गहन अध्ययन करने के लिए 5 सितंबर 1977 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। आज इस यान के काफी सारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, पर कुछ सिस्टम अभी भी काम कर रहे हैं और लगातार धरती पर सिग्नल भेज रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 2025 तक सिग्नल भेजना पूरी तरह बंद कर देगा। ये यान हमारी धरती से करीब 20 अरब किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है और ये लगातार 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती से दूर जा रहा है। इस मिशन ने मानव जाति और धरती को इस अनंत ब्रह्मांड में हमेशा के लिए अमर कर दिया। नंबर 7, हबल स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को स्पेस ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी कदम माना जाता है, जिसने इंसान के अंतरिक्ष को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। हबल एक वर्सेटाइल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। हम हबल टेलीस्कोप की मदद से 13 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख सकते हैं, जिसको हबल डीप फील्ड कहते हैं। हालांकि इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर नए टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जगह ले ली है, पर हबल टेलीस्कोप को स्पेस ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हमेशा एक ऐतिहासिक मिशन के रूप में देखा जाएगा, जिसने अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 8, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस स्टेशन को साल 1998 में लॉन्च किया गया था। ये धरती की कक्षा में स्थित एक प्रयोगशाला है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि वैज्ञानिक इसमें रह सके। इसमें एक समय में 6 वैज्ञानिक रह सकते हैं। ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घर की तरह है। ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा से करीब 330 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रबंधन और संचालन 5 अलग अलग स्पेस एजेंसीज नासा, ESA, CSA, रॉसकॉस्मोस और जाक्सा द्वारा मिलकर किया जाता है। इस स्पेस स्टेशन में अब तक 15 देशों के 200 से ज्यादा वैज्ञानिक जा चुके हैं। इसे बनाने में कुल मिलाकर 160 अरब डॉलर का खर्चा आया है, जो इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज है। ये मिशन स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।